नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं छोटी सी ही वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ। ये एक घंटे का चार्ट लगाया हुआ है मैंने निफ्टी का, ठीक है। ये यहां तक आना चाहिए और इसको रेजिस्टेंस मिलेगा अब आज की डेट में ही, अगर ये 530-540 के आसपास आ जाता है, ठीक है। 530-540 और 470 के ऊपर क्लोजिंग बहुत बुलिश क्लोजिंग है। 470 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो अच्छी खासी क्लोजिंग है। ये लेवल करेक्ट क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। सॉरी 470 नहीं, 490 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। और ये यहाँ पे 520 से 540 का जो जोन है वहां पे जरूर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है भैया। अभी क्या लाल हो गया ये, एक मिनट रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। अभी तो 400 कुछ चल रहा था। हाँ ठीक है, 407 कुछ चल रहा है। तो इसको भी 38,370 इसके ऊपर तो बुलिश है भाई। बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश है अगर क्लोजिंग इसकी 38,370 के ऊपर आती है तो। किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, किसी प्रकार से भी बैंक निफ्टी खराब नहीं दिख रहा। 10 EM में इसका ये देखिए, जो मैं आपको हर बार वीडियो में बता रहा हूँ, इन सबके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। 10, 20, 50 से तो है ही बहुत नीचे, बात करने की क्या जरूरत है। अब इसमें कुल मिला के बात आती है, ये जो है इसका दरार जो है, रुकावट ये, ठीक है। पर जिस हिसाब से क्लोजिंग दे रहा है, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा नहीं। 450-460 का, 38,500, 38,700 यहां जरूर आना चाहिए इसको, अगर 370 के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है दोस्तों। बाकी मार्केट सेंटिमेंट और न्यूज से भरा हुआ है। मेरी एक ही सजेशन रहेगी आपको, कैरी करके ना जाइए। रिस्क टेकर है तो वो टेक्निकल बेस पे ही कैरी कर सकता है। जैसे यहां सबको तोड़ताड़ के नीचे की तरफ, तो टेक्निकल बिल्कुल नीचे दिखा रहा था, अगले दिन ये, तो अब टेक्निकल भी बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट मार जाता है पलटी, तो उसके लिए तैयार रही, उसी हिसाब से प्ले करी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बाय करके जाते हैं तो कोई दूर का पुट एक जरूर लेके जाइए, जो सिक्योर रखे आपको। मेरी सजेशन ये है। थैंक यू वेरी मच।